हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई, अभिमन्यु कौन थे, और महाभारत में ऐसा क्या हुआ जो ऐसे वीर योद्धा को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो आप में से कुछ लोगों ने महाभारत जरूर देखी होगी, और अगर जिन लोगों ने महाभारत नहीं देखी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो महाभारत में 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु। तो कहते हैं गाइस, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रहते हुए ही सारी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, तो अभिमन्यु में अर्जुन की ही भांति सारे गुण, कौशल और कुशल योद्धा बने। और अभिमन्यु को प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और कौरवों ने साथ ही साथ ये नीति बनाई थी वो हस्तिनापुर पे भी आक्रमण करेंगे। अच्छे जानते थे कि पांडव अर्जुन को ही भेजेंगे, क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो पूरी सेना के लिए पर्याप्त था। और हुआ भी गाइस ऐसा ही, 5 पांडवों ने मिलकर फैसला लिया कि वो अर्जुन को ही हस्तिनापुर में भेजेंगे। और अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा ली कि वो शत्रु को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो इधर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी थी। युद्ध में शत्रु को परास्त करने के लिए अलग अलग तरह के व्यूह रचे जाते थे, जिसमें से सबसे घातक था चक्रव्यूह को भेजने के बारे में सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। और चक्रव्यूह में कोई योद्धा घुस भी जाए तो उसका जिंदा बच के आना असंभव है। चक्रव्यूह एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता, वो घूमता रहता है, ताकि योद्धा के लिए चक्रव्यूह को समझ पाना मुश्किल हो। अगर किसी तरह कोई योद्धा सैनिक को मारकर किसी तरह अंदर घुस भी जाए तो मरे हुए सैनिक की जगह क्षण भर में कोई दूसरा सैनिक ले ले। तो जैसे जैसे योद्धा आगे बढ़ते हैं पीछे के रास्ते बंद होते जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में रहते रहते ही सारी ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, और उन्होंने ये भी ज्ञात कर लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेजते हैं। पर वो ये नहीं जान पाए थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। चक्रव्यूह में जाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बल खत्म करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मारने होते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह के हर पड़ाव पे सातवीं सैनिक देखने को मिलते हैं। तो अभिमन्यु भी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बल को ख़त्म करते हुए चक्रव्यूह में घुस गए, और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि उनका बच के आना अब मुश्किल है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे तो वो कहाँ रुकने वाले थे। तो चक्रव्यूह के बीचों बीच पहुँच गए तो कौरवों ने उन्हें चारों दिशाओं से घेर लिया। उसी युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, कि वे चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता जानते ही नहीं थे। हैं दोस्तों, जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे तो केवल अंदर जाने तक का रास्ता ही उन्होंने बताया था। उसके बाद सुभद्रा निंद्र अवस्था में चली गई थी, तो ये सुभद्रा को निंद्र अवस्था में देख अर्जुन ने बाहर आने का रास्ता नहीं बताया। इससे अभिमन्यु को भी बाहर आने का रास्ता नहीं पता लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए या किसी और रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर एक नई वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए राधे राधे।